रही है सही, बच्चे का सर नहीं दिख रहा मुझे सही, अब क्या करूं? अब पाखी दीदी को कहिए कि अभी उनको कॉन्ट्रैक्शन का जब पेन होगा ना, और पेन एकदम पीक पर होगा बहुत तेज, तब वो जोर से पुश करे। सही, एक काम करो, तुम ही पाखी को समझा दो, तुम अच्छे से समझा पाओगी। एक मिनट बोलो सही, तुम कब आ रही हो यहाँ पे, जल्दी करो। पाखी दीदी देखिए, आप गहरी सांसें लीजिए और बस पुश कीजिए, अभी आपका कॉन्ट्रैक्शन जब एकदम उसका पेन पीक पर होगा ना, तो आप पुश कीजिएगा। और देखिए, अपना हाथ अपने पेट पर रख के ऐसे दबाइएगा और पुश कीजिएगा। विराट सर, आप पाखी दीदी की मदद कीजिए। ओके 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 ओके, एक मिनट पाखी, पुश पुश पाखी दीदी, पुश पुश, कम ऑन, होगा होगा पाखी, कम ऑन, वन मोर टाइम, कम ऑन, डोंट गिव अप। एक और बार, चलो। अब मुझ में जान नहीं बची। नहीं पाखी दीदी, आप ऐसे हार नहीं मान सकती, आपको हमारे बच्चे का वास्ता, हमारे बच्चे की खातिर, आप कोशिश कीजिए, जोर लगाइए। हाँ पोश पाखी, पोश पोश। पाखी दीदी थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, आप उनकी मदद कीजिए। हाँ देखिए, मुझे देखिए कैसे पुश कर ले, उनके पेट पर ऊपर सॉफ्टली इन हाथों से ऐसे पुश कीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूं। ये देखो, 1 2 3 पाखी पुश पुश करो। पाखी दीदी पुश। विराट सर देखिए, क्राउनिंग हो रही है क्या? मैं चेक कर रहा हूं क्राउनिंग। नाइट को क्या हुआ? सही, लाइट चली गई। लाइट चली गई, लाइट को भी अभी जाना था। हाँ मैं इधर ही हूँ सही, पाखी मैं इधर ही हूँ, मैं यहाँ हूँ। पापा क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हो? लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, बस कुछ ही पलों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, और फिर मैं उस बच्चे को लेकर आपके कदमों में आऊंगी, आपके चरणों में आऊंगी, आपके आशीर्वाद के लिए। हाँ विराट, कुछ भी नहीं हुआ, अब पाखी दीदी का सर सहलाइए, हाँ, और उनसे कहिए कि वो पुश करती रहे। पुश करो। तब तक आप कैंडल्स और इमरजेंसी लाइट जलाइए। देखिए कैंडल्स ड्राइंग रूम के ड्रॉअर में रखे होंगे, और इमरजेंसी लाइट स्टोर रूम में रखी होगी। ओके 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 ओके। पाखी सुन, मैं एक मिनट के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, बस अपने आप को संभालना ठीक है? सही में आ रहा हूँ। बच्चे का सर भार है जो पापा, बस अब विराट सर को इतनी हिम्मत दीजिए कि ये डिलीवरी अच्छे से करा लें। सही, तुम्हें क्या लगता है कि विराट सर बच्चे की डिलीवरी सक्सेसफुली करवा पाएंगे?
क्या विराट पत्रलेखा की डिलीवरी कर पाएगा? कितने जतन के बाद विराट और सई को बच्चा होने वाला था, लेकिन किस्मत नसीब डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर है। जिस वक्त हम सबको एक साथ होना चाहिए था, हम सब अलग अलग हैं। और पाखी और विराट दोनों बेचारे तो अकेले ही पड़ गए होंगे। सोनाली, ये सब कुछ सोचने के बजाय हम बापा से प्रार्थना करते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मोहन, विराट दादा को फोन करके देखे। नहीं करिश्मा, हमें इस वक्त बीरू को फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बीरू और सई एक दूसरे से बात कर रहे होंगे ना फोन पे। अच्छी बात यह है कि सई और विराट दोनों मिलके डिलीवरी कर रहे हैं। हे भगवान, ये बारिश जल्दी से रोक दो ताकि हम सब घर पहुंच पाए। अब बस एक ही प्रार्थना है, विराट पत्रलेखा की डिलीवरी ठीक से कर दे और पत्रलेखा और बच्चा दोनों सही सलामत हो। फिंगर टिप से पुश कर रहा हूं मैं। पाखी पुश, जोर लगाओ। अब जाके देखिए बच्चा बाहर आ रहा है क्या। आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा और सर बाहर आ रहा हूं। आ रहा है। कम ऑन पाखी दीदी, देखिए बच्चे का सर थोड़ा सा बाहर आया है, आप और पुश कीजिए। पाखी जोर लगाओ, कम ऑन पाखी जोर लगाओ। लगा दीजिए पाकी दीदी, पाकी चलो पाकी। एक मिनट, सही सही सही, एक मिनट, पाकी को कुछ हो रहा है, एकदम से चुप हो गई है। वो थक गई है ना, एग्जॉस्ट हो गई है, इसलिए बेहोश हो गई है। आप एक काम करिए, आप उनको जगाने की कोशिश करिए, आप पानी के छींटे मारिए उनके फेस पर। एक मिनट, आया पाखी, पाखी आंखें खोल, पाखी, 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 पाखी दीदी, प्लीज आंखें खोलिए, पाखी, नहीं, आंखें नहीं खोल रही, क्या करूं मैं? पाखी आंखें खोलो, पाखी, पाखी, ना जाने अब क्या होगा, विराट सर कैसे करवाएंगे बच्चे की डिलीवरी? सही, क्या करूं मैं? सही, 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 कुछ बोलो, सही, सही, प्लीज कुछ बोलो। नहीं, मैं क्या करूं? बाकी आके नहीं खोल रही है, प्लीज कोई तो रास्ता होगा बाकी को होश में लाने का, हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने का। सही, कुछ बोलो प्लीज। विराट कुछ कर, पुश, पुश। बाकी, बाकी मुझे सुन सकती हो? प्लीज जोर लगाना, मैं भी पुश करूंगा, ठीक है? प्लीज मेरा साथ देना, मेरा बच्चा। बाकी प्लीज पुश, पुश बाकी, प्लीज प्लीज पुश, प्लीज पुश बाकी, प्लीज यार पुश, प्लीज। से प्लीज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कम से चुप क्यों हो? मैं क्या करूं? प्लीज कुछ बोलो, क्यों बोल नहीं रही हो? कैसे उठाओ इसे, कैसे होश में लाओ, कैसे हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओ? प्लीज कुछ बोलो यार। आपको ना पाखी दीदी को कुछ भी करके होश में लाना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कब से? पाखी दीदी और हमारे बच्चे दोनों की जिंदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये कोई बोलने वाली चीज है? दोनों मायने रखती है, ऑफकोर्स मायने रखते हैं। आप उनके चेहरे पर और पानी छिड़किए। क्या होता है ना, कभी कभी औरतें डिलीवरी के वक्त बेहोश हो जाती है थक कर। वो पाखी दीदी ठीक है, लेकिन वो थक गई है। हाँ, आप उनको होश में लाने की कोशिश कीजिए। पाखी उठो, पाखी कम ऑन। पाखी दीदी, हमारा बच्चा, हम उन्हें कुछ नहीं होने दे सकते। हाँ, आज हम पाखी दीदी को हॉस्पिटल ला पाते तो यहाँ पर कम से कम फोर्स है या वैक्यूम पंप से उनकी डिलीवरी तो हो पाती। क्या क्या? वैक्यूम पंप से? सही, ये सब यहाँ नहीं हो सकता।
हो सकता है, वैक्यूम से हम डिलीवरी अभी भी करवा सकते हैं। सही, लेकिन तुम्हारे घर पे तो लाइट नहीं आ रही ना। हाँ, हमारे घर पे तो लाइट नहीं है। सोच से, सोच क्या कर सकते हैं, सोच।